राष्ट्रीय पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किस्मत आजमाएगी, जिसे लेकर रांची में एनसीपी के झारखंड प्रदेश पर्यवेक्षक कुमार ज्ञानेंद्र ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले झारखंड में हुसैनाबाद सीट से एनसीपी के एक विधायक कमलेश सिंह थे, जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी के पर्यवेक्षक कुमार ज्ञानेंद्र ने कहा कि इंडिया गठबंधन को संगठित करने वाले सूत्रधार शरद पवार ही थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से सीटों पर सहमति नहीं बनी। नतीजा हमारी पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। फिलहाल अभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी गई है। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न दलों के और कई सामाजिक संगठनों के जुझारू साथी, जो पूरे झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे रांची हो, बोकारो हो, पलामू हो, हजारीबाग हो, तमाम जिलों के साथी जो कम से कम अपने ज़िले में, अपने प्रमंडल में अपनी एक अलग पहचान, सामाजिक संगठन, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हो, ऐसे सभी साथियों ने आज शरद पवार जी की विचारधारा में भरोसा जताते हुए, उनके नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से शंभू कुमार जी हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं। ये संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज ये अपने तमाम साथियों के साथ, जिनमें पंकज श्रीवास्तव जी, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, देव नारायण मुर्मू जी जो बोकारो से हैं, देवचंद्र महतो जी जो गिरिडीह से हैं, आदरणीय प्रवीण मेहता जी जो हजारीबाग से हैं, भारती मेहता जी जो बरकट्टा से हैं, ये तमाम साथी, और एक छूट गए हैं, नागेश्वर महतो, नागेश्वर साव जी जो रामगढ़ से हैं, ऐसे तमाम साथी जो अलग अलग सामाजिक संगठनों में सक्रिय थे, अलग अलग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, ऐसे तमाम साथियों ने शरद पवार जी और आदरणीय हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुले जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा जी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सदस्यता ग्रहण की है। उसी की जानकारी साझा करने के लिए आप तमाम साथियों को आमंत्रित किया गया। एनसीपी के द्वारा 6 सीटों पर जारी सूची में बोकारो से शंभू कुमार, बेरमो से ललित नारायण, गोमिया से देव नारायण मुर्मू, डुमरी से सूरज कुमार, रामगढ़ से देवप्रिया झा और जमशेदपुर पश्चिम से पंकज श्रीवास्तव का नाम शामिल है। वहीं बोकारो के प्रत्याशी शंभू कुमार ने कहा कि एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी है और अभी तक शरद पवार की छवि साफ सुथरी है। उनकी विचारधारा और हमारे विचारधारा मेल खाते हैं, इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। हम लोग क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जनता साथ देगी। हम लोग झारखंड में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और शरद पवार जी का एक साफ सुथरा छवि रहा है और हमको नहीं लगता शरद पवार जैसे विचारधारा आज के तारीख में कि बहुत कम नेताओं के पास, राष्ट्रीय नेताओं के पास है। जो क्षमता शरद पवार जी में है, वैसा क्षमता भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और रहा शरद पार्टी से जुड़ने का मकसद, देखिए सभी पार्टियों का एक अपना विचारधारा है और मेरे विचारधारा से जो मेल खाता है वो शरद पवार जी की विचारधारा है। जैसे हमारा सोच जो है, मेरा सोच है कि सभी बच्चे जो भारत के निवासी हैं, जो भारत में बच्चे हैं, उनका शिक्षा फ्री होना चाहिए। वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सब सरकार की होनी चाहिए, चाहे आप गरीब हों, अमीर हों, आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, प्राइवेट में कराएं, लेकिन सारा खर्च जो है वो सरकार को वहन करना चाहिए। तीसरा हमारा सोच है कि हर व्यक्ति का एक सुनिश्चित बीमा होना चाहिए। तो ये हमारा सोच है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होने पर उसको ये मिलना चाहिए।
तो हमारी एक तरह ये सोच है जो हमारा सोच कहीं ना कहीं शरद पवार जी से मिलता जुलता है। तो इस विचारधारा को लेके हमने शरद पवार जी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, और बाकी हमारी विचारधारा कहीं भी किसी भी लोगों को जातिवाद या धर्म में बांटने का नहीं है, जो इस पार्टी में आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलता।